प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ रीना फरसवाण। मैं जा रही हूँ अभी गोबर डालने के लिए खेतों में। बहुत दूर जाना है। अभी हमने भंजरा भी बोना है खेत में। अभी दिखाते हैं आपको कैसे के भंजरा बोते हैं। और मैं ले जा रही हूँ कट्टी में गोबर, बारीक गोबर है, इसको डालने के लिए खेतों में जा रही हूँ। मैं भी गोबर डालने के लिए सुलटी कन्नी पे ले जा रही है। मैं ले जा रही हूँ कट्टे पे गोबर। ब्यूटी ले, क्या गेहूं हो रखी इसमें, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें ना ट्रैक्टर से लगाया हल खेतों में, इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। ये खेत ट्रैक्टर ने लगाया, इसमें हल लगा रखा है बैलों ने। ये देखो फ्रेंड, मैं लाई कट्टे पे लाई गोबर। बहुत भारी हो रहा था ये, 50 किलो की कट्टे पे लाई मैं भारी गोबर। थोड़ा ही रह रखा है यहाँ पे गोबर डालने के लिए। उधर मम्मी जा रखी है गोबर डालने के लिए। मम्मी लाई कंडी में, मैं लाई कट्टे में, क्योंकि लोग अब कट्टे में डाल दे जाते हैं गोबर। ये ला रखे हमने कुदाल, अब बोएंगे हम भंजरा। ऐसे डालते हैं गोबर पहाड़ों में। कितना भारी गोबर है इस खेत में। तो वैसे कुछ नहीं मिलता है, सुंगर खा देता है सारा, पर ऐसे कि खाली खेत बांजा भी क्यों रखे, इसीलिए डालते हैं गोबर थोड़ा बहुत। ये देखो एक कुत्ता आया था हमारे साथ, इसका नाम ब्यूटी है। ले ब्यूटी, आ जा ब्यूटी। हेलो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ अखरोट देखने के लिए खेतों में। पहले जाते थे हम बचपनों में, अब कोई नहीं जाता अखरोट देखने के लिए। मैंने कहा चलो बचपन की यादें ताज़ा कर दें। अभी मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, ढूंढने में क्या जा रहा मेरा। को फ्रेंड, अखरोट का पेड़, इसमें से सारी पत्ती झड़ गई है, अखरोट भी नीचे झड़ चुके हैं। ये है अखरोट का पेड़, ये है फ्रेंड अखरोट का पेड़। ये अखरोट भी नहीं है, इसमें पत्तियां भी नहीं है। भंजरा, भंजरा तो मम्मी ने बो दिया, उनको दाल से ऐसे से करेंगे। झाड़ी है, इसको भी उखाड़ के उधर फेंक देंगे फ्रेंड। ये बहुत कठोरा हो रखा है, बट टाइट हो रखा भाई। हार्ड तो डाली डोगरी इसमें। बहुत ज़्यादा झाड़ रखा है इसमें। अभी दिखाते हैं हम आपको भंजीर, भंजा उसकी। इसको पहले इसको वो करेंगे हम। उखाड़ेंगे हमने। मम्मी ने अभी इसमें भंजरा बोया है, फिर अभी दिखाऊंगी मैं आपको भंजरा कैसे होता है। इसकी चटनी बनती है बहुत अच्छी, और नींबू और भंजरे की चटनी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। मंडवे की रोटी में तो बहुत ही अच्छी टेस्टी होती है। जब तक मैंने ये घास उखाड़ा तो मेरी मम्मी ने घास काट दिया घर के लिए, गायों के लिए। फ्रेंड खेत हो रखा है बहुत हार्ड, कुदाल भी छोटा हो गया, तो क्या करें। क्या नज़ारा दिखाना खाली यहाँ का,
पहाड़ है, फिर भी पहाड़ है। जो बाहर बसे होंगे उनको पहाड़ की याद तो आती होगी। और हमने आधे खेत में बो दिया बंजरा, आधे में मम्मी बोरी दिखे फोड़ रही मम्मी इसमें से। बिना बारिश के कैसे धूल उड़ रहा है खेतों में, बारिश आती तो इतना धूल नहीं उठता है, बारिश ही नहीं आ रही पहले, कहाँ से होंगे तो अनाज भी। बो दिया है हमने इस खेत में भंगजीरा, ये है तिमला का पेड़, आ रही किसको बचपन में तिमले, पके हुए तिमल खाने की याद, कैसे जाते थे पके हुए, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, अब कौन खा रहा, कोई नहीं खा रहा है लोग अब। अब जाएंगे हम घर, दिखाते हैं आपको पहले भंगजीरा कैसे होता है, हमको भंगजीरा दे दो। क्या वो भंगजीरा, ये है फ्रेंड भंगजीरा मेरी मम्मी के हाथ में, ये है फ्रेंड भंगजीरा, इसकी चटनी बनती है बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी होता, खाते भी है इसको, और जब नींबू नींबू होते ना आजकल तो नींबू 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 और भंगजीरे की चटनी बनाते हैं, कैसे हो रहा मम्मी खाने में भंगजीरा, बहुत टेस्टी होते मंडुए की रोटी में खाते, नींबू और भंगजीरे की चटनी मंडुए की रोटी में खाते हैं, बहुत अच्छी। मेरी मम्मी तो खाने बैठ गई है भंगजीरा, खेत में लाए थे, खेत में ला रखा था बोने के लिए, तो मेरी मम्मी खा रही है भंगजीरा, मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा। ओ भंगजीरा ये ऐसा होता है, वैसे भी खाते इसको बहुत अच्छा हो रहा, टेस्टी हो रहा बहुत, कभी चटनी बनाऊंगी तो चटनी भी दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं भंगजीरे की चटनी। घास थोड़ा सा था घास वहाँ तो, इतना ले जा रही हूँ मैं, मम्मी ने कहा ले जाते बल, थोड़ा गाय खाएंगे बल इनको, इतना भंगजीरा हम वापस लाए, इतना नहीं बोया हमने, इतना हम घर ले जाएंगे, अब बोएंगे तो दूसरे वाले खेत में बोएंगे किसी दिन। यहाँ नीचे जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे, छुट्टी होगी अपने घर जा रहे हैं, वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे वो, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मेरा प्यार भरा नमस्ते।